आपकी नजर में असली कला क्या है? किसी बड़ी घटना को जीवित करता हुआ एक सुंदर चित्र बनाना, या उस घटना से पीड़ित लोगों की सहायता कर उन्हें एक नया जीवन देना? मनु भंडारी की ये मर्मस्पर्शी कहानी दो सहेलियों के बीच एक सच्चे कलाकार को ढूंढती है। तो आइए देखते हैं कि एक सच्चा और श्रेष्ठ कलाकार कौन होता है। एरोनी, उठ! अरे क्या है? चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? ये तो बता दे, हजार बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चल रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। अरुणा मुद होने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आगे बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताई और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया,
मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वे लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुँच जाऊंगी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखाए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा वे मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी पर अरुणा ना आई, सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे।
दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी, चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की कोई 8। मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, आप हमें तस्वीरें दिखाएं मौसी। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? इनकी माँ मर गई है, दिखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे। अरे बता ना, मुझे ये बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए।